नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CKR किचन में। तो आइए आज हम बनाते हैं व्रत स्पेशल फलाहारी ताज़े नारियल की खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी होती है, बनने में बहुत ही कम समय लगता है और इसे आप किसी भी व्रत में फलाहार के तौर पर खा सकते हैं, भगवान को प्रसाद के तौर पर भोग भी लगा सकते हैं। तो इन दिनों बहुत ही फ्रेश पानी वाले नारियल आते हैं, बहुत ही मीठे और ताज़े होते हैं, तो ये रेसिपी बना के ज़रूर देखें। तो YouTube पर कुकिंग चैनल CKR किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन आपने अब तक नहीं दबाया है तो प्लीज़ तुरंत कर लें, ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहे। तो मैंने एक ताज़ा नारियल लिया था, उसको अच्छे से हमने छील कर धो लिया था और तब तक हम यहाँ पर किसी भी मोटे तले वाले बर्तन या फिर नॉन स्टिक बर्तन में लगभग 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाल देंगे। तो बर्तन को पहले थोड़ा सा गीला कर लें, यानी कि इसको धो लें ताकि दूध तले में चिपके नहीं। और दूध हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम ये साइड में नारियल को तैयार कर लेते हैं। तो इसका जो ये पीछे वाला ब्राउन पार्ट है, उसको पतला पतला धार वाले चाकू से आप निकाल लें, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से तो इन सभी का हम ये ब्लैक पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये जो फ्रेश नारियल है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लगभग जो भी हमें बॉडी में ज़रूरत होती है वो सारी रिक्वायरमेंट ये पूरी कर लेता है, इसमें सारे ही पोषण तत्व पाए जाते हैं। तो ये सारे हमने पीछे वाले जो ब्राउन पार्ट है वो निकाल दिया है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको मिक्सी में दरदरा पीस के तैयार करना है, तो आराम से पीस जाए इसलिए छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और इसको मिक्सी में ग्राइंड करते वक्त ध्यान रखना है, लगातार मिक्सी को ना चलाएं, हमको पेस्ट नहीं बनाना है, हमको इसको बूरा बनाना है, एकदम दरदरा सा, जिस तरीके से जो डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट में मिलता है ना, वैसा टेक्सचर इसको हमको देना है। तो मिक्सी को थोड़ा सा चलाएं रोके, फिर से दोबारा थोड़ा चलाएं रोके, इस तरीके से 4-5 बार चलाएंगे तो आराम से बूरा तैयार हो जाएगा। और इसकी जो खीर है ना, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि बिल्कुल आप बार बार ज़रूर बनाएंगे, अगर एक बार आपने बना के खाई तो। तो यहाँ पे हमने मिक्सी का जार लिया है और उसमें सारे पीसेस को डाल के और इसका हम दरदरा सा बूरा तैयार कर लेते हैं। और बनाने में भी काफ़ी आसान है, घर की ही सामग्री से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये ताज़े नारियल का बूरा हमने बना के तैयार कर लिया है। उधर हमारा दूध भी उबल गया है, बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध तले में चिपके नहीं। ये देखिए, ये इसका हमने टेक्सचर रखा है। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है, उबाल आने के बाद में थोड़ा 2-3 मिनट इसको थोड़ा और पका लें ताकि दूध में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। तो अब डाल देते हैं हम ये ताज़े नारियल का बूरा और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने दें, 10 से 12 मिनट बीच बीच में चलाते रहें ताकि तले में चिपके नहीं। और यहाँ पे अगर आपको खीर थोड़ी सी पतली पसंद है तो आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसमें 1/2 कप दूध आप और डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी सी गाढ़ी रखी है रबड़ी की तरह, तो दूध की मात्रा मैंने 1 लीटर के करीब दूध लिया है। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है, कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं खीर, कुछ लोग थोड़ी पतली पसंद करते हैं। और मैंने अपने YouTube चैनल CKR किचन पर कई तरह की डिफरेंट टाइप्स की खीर की रेसिपीज़ को अपलोड किया है, एक बार जाके चेक ज़रूर करें। और इसमें मैंने 6-7 धागे केसर के डाल दिए हैं, अभी डाल दिए मैंने, ताकि जब 10 मिनट ये खीर पकेगी तो अच्छा कलर भी आ जाएगा। और वैसे आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म दूध लें 1 टेबल स्पून और उसमें ये केसर के धागे को 10 मिनट भिगो के रख दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आ जाता है। तो मैं भिगोना भूल गई थी तो मैंने अभी ही डाल दिया है। तो मैंने अपने चैनल पर चावल की खीर, मिक्स ड्राई फ्रूट खीर, मखाना खीर, शकरकंदी खीर, गाजर की खीर और भी कई तरह की डिफरेंट टाइप्स की खीर की रेसिपी को अपलोड किया हुआ है, सेवइयों की खीर,
तो एक बार जाकर आप सर्च जरूर करें यूट्यूब पर सी के आर किचन और विजिट जरूर करें, आप सभी को रेसिपीज बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए, इसको हमने स्लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए 10-12 मिनट पकाया था, तो नारियल हल्का सा फूल गया है, दूध और नारियल अच्छे से मिक्स हो गए, खीर वाला टेक्सचर आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच मिश्री के दाने डाले हैं मैंने। मिश्री हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं किया है। तो आज वाली जो रेसिपी उसकी खास बात ये भी है कि ये शुगर फ्री भी है, इसमें हमने चीनी का बिना चीनी के इसको तैयार किया है। तो जैसे ही हमारी चीनी थोड़ी सी घुल जाएगी तो इसमें हमने डाल दिए काजू और बादाम को एकदम बारीक चॉप करके। तो अब इसको 2 मिनट हम पकने देंगे ताकि मिश्री भी अच्छे से हमारी घुल जाए, पक जाए और ये ड्राई फ्रूट भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टेक्सचर कितना ज़्यादा शानदार आया है, ऐसा नहीं कि दूध अलग जा रहा है नारियल अलग जा रहा है, एकदम मिक्स हो गया है। और ये देखिए 2-3 मिनट हमने और पका लिया था स्लो फ्लेम पर। तो अब लास्ट में हमको डालना है किशमिश और इलायची। तो खीर में किशमिश हमेशा लास्ट में ही डालें क्योंकि कई बार किशमिश की खटास की वजह से खीर आपकी फट सकती है। तो ये देखिए अब इसको तुरंत बंद कर देंगे हम किशमिश और इलायची पाउडर डालने के बाद में। इलायची पाउडर हमने डाला है लगभग 1/2 चम्मच के करीब, फ्रेश कूट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए खीर को हमने ठंडा कर लिया था हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद में, फ्रीज में ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद में जो खीर का टेक्सचर है और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है रबड़ी की तरह। ये देखिए हमने खीर को सर्व कर दिया है, थोड़ी सी पिस्ता की कतरन आप ऊपर से डाल दें तो इसमें बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। तो ये हमने पिस्ता से गार्निशिंग कर दी थी, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी और शानदार दिखने वाली ये ताज़ा नारियल की रबड़ी जैसे खीर बन के हमारी तैयार है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, कमेंट करें आपको रेसिपी कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा ये पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल इसके आगे तो आपको रबड़ी भी फेल लगेगी, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी है। तो ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। और भी तरह की जो भी खीर की रेसिपीज अपलोड की है मैंने, एक बार जाके चेक ज़रूर करें। तो बस यही कोशिश होती है कि कम समय में, कम मेहनत में और कम सामग्री में फटाफट बनने वाली हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ को मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।